साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। और आज मैं हूँ राजस्थान की एक ऐसी सिटी जिसको लेक ऑफ सिटी भी कहा जाता है और वीनस ऑफ ईस्ट के नाम से भी कहा जाता है। उस जगह का नाम है उदयपुर। साथियों, उदयपुर में एक ऐसी जगह की बात करने वाले हैं जहाँ 365 दिन हम बारिश होती हुई देख सकते हैं। ये जगह आर्टिफिशियल रेन गार्डन है जो ये फतेह सागर लेक से जुड़ा हुआ। इसके अंदर बात करें तो ये फतेह सागर से इसमें पाइपलाइन के द्वारा पानी आता है और ये पूरा का पूरा यहाँ बारिश होने का एहसास दिलाता है। तो साथियों, यहाँ पर हम भी पहुँचते हैं और एक 20 रुपये का एंट्री गेट टिकट है वो हम ले लेते हैं। और इसकी आगे की बात करें तो साथियों, इसमें ऐसा अद्भुत है जो आप देख सकते हो, आने के बाद ही आपको पता चलेगा। और मेरा कहना यह रहेगा कि इसको हम विचित्र जगह ऐसी और राजस्थान में कहीं नहीं हो सकते, क्योंकि ओनली फॉर उदयपुर, क्योंकि इसलिए इसको जिलों की नगरी भी कहा जाता है। और आज इसके बारे में हम काफ़ी पाँच छः टॉपिक है जिसका बहुत बड़ा रहस्य है, उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए साथियों, उसके बारे में हम विस्तार से बात करते हैं। 1710 से लेकर 1734 तक इसका महाराणा संग्राम सिंह जी सेकेंड ने इसका निर्माण करवाया था अपनी रानियों और दासियों के लिए। इस सेल्युकी बाड़ी का कार्यकाल 24 साल के अंदर पूरा हो गया और ये महाराणा संग्राम सिंह के 7 रानियों और 48 दासियों के लिए बनाई गई थी। नंबर पे साथियों बात करते हैं वेलकम फाउंटेन की, इसके बारे में हम पूरा का पूरा विस्तार से जानते हैं। साथियों, आप जितने भी यहाँ पे फाउंटेन देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सारे आपको नमस्कार कर रहे हैं। ये सारे कॉपर के बने हुए और एक पाइपलाइन से जुड़े हुए हैं और ये जो पाइपलाइन बिछेगी वो भी कॉपर की है। ये सन 1800 में इंग्लैंड से मंगवाए गए, 1710 से 1734 तक इसको बना के तैयार हुआ था और फाउंटेन ये सारे इंग्लैंड से मंगवाए गए ऐसा बताया जा रहा है। और इन फाउंटेन की बात करें तो साथियों, ये चिड़िया के चोंच का आकार दिया गया है जिसमें इसमें पानी आ सके, वो प्रेशर के साथ में आ सके और ऐसा लग सके आपको कि ये सारे के सारे फाउंटेन आपको नमस्कार कर रहे हैं। साथियों, चिड़िया का चोंच का आकार देने का यही रीज़न हो सकता है क्योंकि प्रेशर से पानी आए, जितनी ज़रूरत हो उतना पानी आता रहे। तो इन साथियों, तीसरे रहस्य की बात करें तो उस समय क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी भी थी नहीं और उस समय कोई दूसरा उपाय भी नहीं था। और इस स्थान की बात करें तो फतेह सागर से 80 फीट नीचे बनाया गया है क्योंकि बनाने का एक ही रीज़न हो सकता है कि फतेह सागर से इसमें पानी प्रेशर से आ सके और ये फाउंटेन सारे प्रेशर के साथ में जनरेट हो सके। ये फाउंटेन राजा रानियों के स्वागत के लिए बनाया गया था। साथियों, सैलियों के बाड़ी के हम चौथे रहस्य के बारे में बात करेंगे, बिन बादल बरसात या बिना बादल भी बरसात होती है, वो कैसे होती है उसके बारे में हम जानेंगे। साथियों, इसके बारे में ऐसा बताया जाता है कि सैलियों की बाड़ी बनाते समय राजा से रानियों और उनकी दासियों ने जिद कर ली कि हमें 365 दिन पूरे साल भर इसी तरह बारिश होती चाहिए। तब राजा ने यह आर्टिफिशियल रैम बना के तैयार किया और इसका निर्माण कराया। इस जगह हम बात करें तो अलग अलग रूप में हम बारिश होती हुई देख सकते हैं, जैसे रिमझिम बारिश हो रही हो, तेज बारिश हो रही है, हल्की बारिश हो रही है, तो इसमें अलग अलग उसी तरह से फाउंटेन लगाए गए। साथ ही इसमें आपको एक पीछे व्हाइट कलर का महल दिख रहा होगा, वो राजा का महल था, अभी उसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। फिर राजा या सैलियों की बाढ़ आते थे इसमें रेस्ट करते थे। साथियों, पांचवें रहस्य की बात करें, इसका सैलियों की बाड़ी में एक इतना अद्भुत पेड़ है जिसको बैंगन बोले पेड़ के नाम से कहा जाता है और इसके अंदर गुलाबी और सफ़ेद फूल आते हैं। जिस पेड़ के ऊपर मैं बैठा हूँ उसी पेड़ को कहा जाता है और ये करीबन 140 से 50 साल पुराना पेड़ है। इस सैलियों की बाड़ी में उदयपुर के काफ़ी ग्रहण में आपको देखने को मिलेगा। साथियों, 6 नंबर रहस्य की बात करें तो यह 6ठा फाउंटेन है रासलीला। इसके अंदर यहाँ रासलीला होती थी रानियों के द्वारा, तो इसके अंदर ये रासलीला फाउंटेन देखा गया या नृत्य गायन वगैरह चलता रहता था, इसको रासलीला फाउंटेन के नाम से भी कहा जाता है। इसमें एक बहुत अच्छी भी जगह है देखने के लिए, आप इसके साथ में फ़ोटो वगैरह भी ले सकते हो। और इसको बनाने के लिए बहुत ही अद्भुत और बहुत ही कला उन्होंने यूज की है रासलीला फाउंटेन को बनाने के लिए। इस फाउंटेन की बात करें साथियों, सारे का सारा जो भी फाउंटेन निकल रहा है वो सारे के सारे अलग अलग निकल रहे हैं और बीच वाला मेन फाउंटेन है वहाँ तक इसका फुहारा जा रहा है, फाउंटेन का पानी जा रहा है। साथियों, अब हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है कमल तलाई। सबसे बेस्ट और सबसे खास फाउंटेन रहेगा कमल तलाई, 7 नंबर फाउंटेन। इसकी बात करें तो साथियों, इसके जो चारों तरफ जो हाथी खड़े हैं वो भी सारे के सारे एक ही पत्थर के बने हुए हैं और इस हाथी की सूंड में से फाउंटेन निकलने वाला जो बीच का मेन फाउंटेन है वहाँ तक फाउंटेन जाता था। और इसके बारे में एक बहुत ही अद्भुत कहानी की गई है, वो भी हम आगे बात करेंगे इसके बारे में।
और इसके अंदर जो एक साइड में रानी का जरोगा बनाया गया है, एक साइड में राजा के बैठने के लिए बैठक बनाई गई है, और इसके अंदर दासियों की रासलीला होती थी, वो सारा राजा और रानी इस जरोके और राज सिंहासन पर बैठ के देखा करते थे। और इस फाउंटेन के लिए बताया करते थे कि इस फाउंटेन में जब भी रानियाँ आती थी तब राजा ताली बजाते थे, तब ये फाउंटेन बंद हो जाते थे, दोबारा ताली बजाते थे तो फाउंटेन चालू हो जाते थे। हम भी बजा के देखते हैं कैसा रहता है। साथियों इसमें आपने देखा होगा ताली बजाने से बंद हो गया था, ताली बजाने से चालू हो गया। इसमें ऐसा कुछ भी है नहीं, कोई इसमें सेंसर है, इसमें आपको मैं बताऊंगा आगे, जिसमें एक अंकल एक वाल लगा हुआ है जिसको राइट करते तब बंद हो जाता है, लेफ्ट करते तब वापस चालू हो जाता है। ये ऐसा इसलिए किया करते थे, यहाँ के लोकल गाइड ने बताया कि ये राजा ओनली फॉर रानियों को खुश रखने के लिए किया करते थे, जिससे रानियाँ इसको देख के बहुत पसंद हुआ करती थी। साथियों आप भी आओगे इसको देखोगे तो बहुत पसंद हो। तो साथियों देख सकते हो ये अंकल के हाथ में जो हैंडल है इसी को बंद चालू होता है। साथियों आठ नंबर फाउंटेन की बात करें तो सावन भादो, ये फाउंटेन भी बहुत अद्भुत बताया गया है सावन भादो, क्योंकि इसमें रानियों को तेज और हल्की बारिश पसंद थी इसलिए यह फाउंटेन बनाया गया है। क्योंकि आप अपने कान के पीछे हाथ रख के देखोगे तो आपको धीरे बारिश होती हुई नज़र आएगी, और वापस हटा के आगे की तरफ करोगे तो आपको तेज़ बारिश का नज़ारा मिलेगा। तो आप इसको भी देख सकते हो, यह गाइड भाई साहब ये बता रहे हैं इसके बारे में, तो इसके बारे में भी आप सुन सकते हो। आपको वीडियो के बैकग्राउंड में भी तेज़ बारिश की सुनाई दे रही होगी आवाज़। साथियों आखिरी और लास्ट रेसी की बात करेंगे, ये सहेलियों की बाड़ी का सबसे खास बात ये है, इसके बारे में हमने आज बात की, या हम साल के 365 दिन बारिश होती हुई देख सकते हैं। और जब इसका निर्माण करवाया गया और जब पहली बार रानिया महाराणा संग्राम सिंह की 7 रानी और 48 दास ये इसमें आई थी, उस टाइम सावन बारिश का महीना चल रहा था, तब रानियों और दासियों ने महाराज से रिक्वेस्ट की कि हमारे लिए इसमें ऐसी अद्भुत जगह बनाई जाए जहां 365 दिन बारिश होती हुई देख सकते हैं। तो महाराणा संग्राम सिंह से उन्होंने रिक्वेस्ट की, तब ये सहेलियों की बाड़ी उन्होंने इतने फाउंटेन बनाए हैं। तो साथियों आज की बात हमारी यही होती है ख़त्म, और हमने सहेलियों की बाड़ी के बारे में आपको विस्तृत हमें जितनी गाइड के द्वारा जानकारी मिली है उतनी दी है। तो बहुत ही जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू। साथियों यदि इस चैनल पे आप नए हो तो लाल वाला बटन दबा देना, और जो घंटे का निशान आ रहा है उसको भी दबा देना, क्योंकि हम हर रोज़ इसी तरह की नई नई वीडियो नए नए एपिसोड के साथ में आपके साथ में मिलते रहेंगे, आपके भाई के साथ में। आपका आशीर्वाद प्यार इसी तरह बनाए रखिए। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।